हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरी रेसिपी, जो बहुत क्विक रेसिपी है, सिंपली है और खाने में टेस्टी लाजवाब लगती है। तो हम इसे डायरेक्टली कुकर में ही बनाएंगे, झटपट से बन जाएगी कुकर में, इसलिए हम कुकर में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है और मैंने यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है गर्म होने। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं अखे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दालचीनी लिया है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, चक्री फूल, जावित्री फूल सब मैंने ऐड कर दिया है। और मसाले का फ्लेवर थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से उतर जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। और अब यहाँ पर मैं ऑनियंस ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 कांदे लिए हैं, उसे मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और ऑनियंस का कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। ऑनियंस को हमें अच्छी तरह से पकाना है, ये अच्छे से ब्राउन कलर हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑनियंस का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसे चला लेंगे। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसका मैंने प्यूरी बना लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसे मैंने बीच में से कट लगा लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं कुछ सूखे गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। भुना हुआ ज़ीरा को मैंने पाउडर बना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कोथमीर ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोथमीर भी ऐड कर दिया है। और 1 मिनट के लिए हम मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर 1/2 लेमन जूस डाल रही हूँ, 1/2 नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसालों को एक बार मिला लेंगे अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी कीमा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स कीमा लिया हुआ है और मैंने थोड़ा सा बोन्स भी इसमें ऐड कर दिया है। बोन्स का जो रस इसमें उतरता है वो भी अच्छा लगता है। तो कीमे को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिएगा। सॉल्ट डाल के एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी भी ऐड कर लिया है। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, वैसे मैंने 1/2 कप के करीब यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। और कीमे का भी पानी यहाँ पे थोड़ा छूटेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी ऐड किया है। और अब इसका लीड लगा के मैं इसे 2 विसल तक पका लूँगी। स्लो फ्लेम पे मैं रख के इसे पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पर 2 विसल हो गए हैं और यहाँ पर हमारा कीमा गल गया है अच्छे से, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। देखिए अभी से ही देख के एकदम मज़ेदार लग रहा है ना। वैसे तो ये बिल्कुल रेडी है यहाँ पर सर्व करने के लिए, बट मैं यहाँ पर आलू भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 आलू लिया है, आलू को मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को आलू पसंद है, आप लोगों को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। मेरे घर में आलू कीमा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने आलू भी इसमें ऐड कर लिया है। और आलू ऐड करने के बाद में बस 1 विसल में इसे पका लूँगी और हमारा कीमा हो जाएगा रेडी। तो चलिए आलू को भी गला लेते हैं 1 विसल तक। तो
तो कीमा तो हमारा रेडी हो गया है। कीमे को और ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, उस पर मैंने एक क्यूब बटर ऐड किया है। बटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लिया है और काली मिर्च का थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून पाउडर काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और कीमा जो मैंने बनाया था वो मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो तड़का हमने रेडी किया है। ये डालने से हमारे कीमे का टेस्ट दुगना हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग इस तरह से इसे ज़रूर बनाइएगा। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोथमीर डाल रही हूँ ऐड करके, गार्निशिंग कर रही हूँ कोथमीर के साथ में। और यहाँ पर हमारा कीमा तो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है ना इसकी, ज़बरदस्त लग रहा है। और जो बटर हमने ऐड किया है उसका भी टेस्ट एक अलग ही लेवल का है। तो बस यहाँ पे सर्व करने से पहले हम थोड़ा सा पाव को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि कीमा तो पाव के साथ में ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पर एक तवा चढ़ाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया है। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो उसके ऊपर डाल देंगे कोथमीर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिर्ची पाउडर ऐड किया है। हल्का सा इसे पका लेंगे। और फिर यहाँ पे हमारे पाव को हम कर लेंगे फ्राई। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कीमा बनकर रेडी हो गया है पाव के साथ में खाने के लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा था इसका, टेस्टी भी बनके रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पर कीमा पाव एंजॉय करते हैं। आप लोग भी इस तरह से इसे ज़रूर बनाइए, इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए, आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।